नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है महिलाओं की यौन स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या होती हैं और क्या इनका ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, महिलाओं की यौन स्वास्थ्य समस्याएं, महिलाओं में यौन समस्याएं आम हैं। अनुमान है कि युवा और मध्यम आयु वर्ग की लगभग एक तिहाई महिलाओं और अधिक उम्र की आधी से ज़्यादा महिलाओं को यौन समस्या प्रभावित करती है। महिलाओं की यौन समस्याएं, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन इन फीमेल, आज हम इसी संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जानते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन इन फीमेल। नंबर एक, यौन इच्छा या उत्तेजना का अभाव। यौन इच्छा या सेक्स ड्राइव की कमी अक्सर कामेच्छा के अभाव के रूप में वर्णित की जाती है और कई महिलाएं विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अनुभव कर सकती हैं। योनि में उत्तेजना की कमी का परिणाम, योनि में लुब्रिकेशन की कमी, संबंधों में चिंता या खराब स्वास्थ्य के रूप में सामने आ सकती हैं। यौन इच्छा की कमी या यौन उत्तेजना की कमी अक्सर एक साथ होती है। एक का इलाज अक्सर दूसरे में सुधार करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर को उन सभी लक्षणों का ब्यौरा दें जिनको आप महसूस करते हैं, क्योंकि इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। नेक्स्ट समस्या होती है चरम सुख, ऑर्गेज्म प्राप्त करने में समस्या आना। इसमें कभी भी चरम सुख, ऑर्गेज्म न प्राप्त करना, ऑर्गेज्म में विलंब या ऑर्गेज्म की इरेगुलरिटी और ऑर्गेज्म का संवेदनाओं की ताकतों में कमी को शामिल किया जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं को सेक्स का आनंद लेने के लिए ऑर्गेज्म प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाओं और उनके सेक्सुअल पार्टनर के लिए यह समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है सेक्स के दौरान दर्द या बाद में दर्द। कुछ महिलाओं को सेक्स के दौरान दर्द का अनुभव हो सकता है। यह वेजाइनल लुब्रिकेशन की कमी के कारण और प्रवेश से पहले अपर्याप्त फोरप्ले के कारण हो सकता है। यह एक समस्या बन सकती है और एक महिला यौन अतरंग होने या सेक्स का मजा लेना मजबूरन बंद कर देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिलाओं की यौन समस्याओं के कारण क्या होते हैं, कॉज ऑफ फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। इंसानों में सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण बहुत विविध और जटिल हैं। कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम एक साधारण प्रतिवर्ती शारीरिक समस्या से जुड़ी हुई होती हैं, वहीं कुछ समस्याएं अधिक गंभीर मेडिकल कंडीशन, जीवन की मुश्किलें या भावनात्मक समस्याओं के कारण हो सकती हैं। कई प्रकार की फिजिकल या मेडिकल कंडीशन महिला के सेक्सुअल लाइफ में संतुष्टि को कम कर सकती हैं। ऐसी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं जैसे थकान, गंभीर बीमारियां जैसे मधुमेह, हृदय रोग, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज। नेक्स्ट है कैंसर, नर्वस सिस्टम संबंधित विकार, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल असंतुलन, मेनोपॉज, गर्भावस्था, शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिलाओं की यौन समस्याओं की रोकथाम कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम। यौनी समस्याओं से बचने या ठीक करने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण काम यह कर सकते हैं कि अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, जो यौन संबंधों में आपकी रुचि और आपकी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाएगा। आप ये सुझाव अपना सकते हैं, जैसे नंबर एक, स्वस्थ आहार खाएं। नंबर दो, तंबाकू का प्रयोग ना करें। नंबर तीन, रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहें अथवा व्यायाम करें। नंबर चार, पर्याप्त आराम करें। नंबर पाँच,
5 तनाव नियंत्रण में रखें। नंबर 6 यदि आप शराब पीते हैं तो कम मात्रा में पिए। नंबर 7 नियमित रूप से आप अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहें, जैसे पैप टेस्ट और मैमोग्राम करवाते रहें। आप अगर ऐसी ही किसी समस्या से पीड़ित हैं और आप उसका इलाज कराना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।